बिस्मर वी आर डूइंग एडवास लेवल रिस्क स्ट्रेटजीज जिसमें हम डिफरेंट मॉडल्स पढ़ रहे थे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक शोल्स मॉडल इसके हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी कि वॉट इज़ ब्लैक शोल्स अबाउट उसको कहाँ से एडवेंट हुआ था थोड़ी सी हम उसको ले कर थोड़ी रिकॉल करके देन वी मूव ऑन इसकी एक मेजर एक्जम्पशन की हमने बात की थी कि दैट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैन वी से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लाइक वी टोल्ड यू इट्स अ बेल कर्व के जिसमें मेजर जो हैं आउटकम्स विल से क्लोज एंड एक्सट्रीम आउटकम्स के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बेलकम इन दिस कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर इज ग्रेटर दैन एक्सट्रीम चेंज यानी कि मेजर जो माइनर चेंजेस वाला फैक्टर ज़्यादा आएगा एक्सट्रीम जो ऑप्शन हैं वो कम दस बेल शेप ऑफ द कप फर्दर ओइंग टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रिटर्न एंड द अन दिन आयल रेनशिप बिटवीन रिटर्न एंड प्राइज द प्राइस ऑफ अंडर लाइंग टेंस टू बी लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो पार्ट है वो क्लोज टू सेंटर अभी हम इसको ग्राफिकली भी देखते हैं या आपने हमने पहले भी कई दफ़ा बात इस पर की हुई है क्योंकि स्टैंड एविएशन के जब हम पार्ट डिस्कस करते हैं वी डू दैट जस्ट अ रीकॉल इज देयर फॉर यू यू कैन री कॉल दिस डाइग्राम कि यहाँ पे अगर आप देखें हम सेंटर से देखें तो हमारी मेजर ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्लोज़ टू सेंटर हैं और जो इसकी टेल्स हैं वो बहुत माइन्यूट हैं यानी कि बहुत दूर तो हमारा जो मेजर पार्ट है दैट इज आउटकम रिटर्न स्टे क्लोज टू सेंटर पार्ट तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है आई आई थिंक यू कैन वेरी वेल रिकॉल दैट नहीं है तो फिर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को पिछले टॉपिक में सर्च करके यू कैन सी टू दैट ब्लैक शोल्स का फॉर्मूला क्या है ये ज़रा थोड़ा सा डराने वाला है लेकिन हमें इसको याद करना नहीं रिक्वायर्ड हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि एक इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि व्हाट आर द एलिमेंट्स कैप्चर्ड एंड डिस्कस इन इट तो आपको वो पॉइंट्स याद होने चाहिए जो हमने बात की थी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है जो आपके पास इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं एस एन डी वन और फिर आगे से एन माइनस डी टू और वट आर दे और डी वन और डी टू सेपरेटली कैलकुलेट होंगे और इसमें फिट इन होंगे आई टेलिंग यू अगेन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इट और अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल बी गिवन द फॉर्मूला इन योर टेस्टिंग पाथ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ इट ऑपरेट वट आर द एलिमेंट्स इन इट सो लेट्स सी वट आर द आइटम्स इन्वॉल्व इन इट एस स्टैंड्स फॉर करंट स्पॉट प्राइस यह हमें स्टैंडाइज्ड है हमेशा ऐसे जब हम ले रहे हैं तो हम स्पॉट प्राइस को रेफर कर रहे हैं एन इज क्यूमुलेटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एन को यूज़ किया ई इज़ द ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस जो है ई इज़ एक्सपोनेशियल टर्म इसकी जब हम पावर्स में जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल टर्म में जाते हैं यानी कि वो हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जब जाना चाहते हैं तो वी टेक एक्सपोनेंशियल एलिमेंट

आप देखें सारा जब डाटा आ जाए फार्मूला आपके पास गिवन हो फिर तो सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला एलिमेंट है कि आप चीज़ें सारी डालें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ ऑप्शन इसकी जो डेरिवेशन है वो भी हमने बात कर ली कि कैसे ये मॉडल प्रेजेंट किया गया और उसने पूरी गेम चेंज कर दी ऑप्शन मार्केट की तो ये इसीलिए थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन अबेट टफ़ बट यू विल नीड टू हैव वर्किंग नॉलेज और इसमें जो हमने मेन चीज़ अप्रिशिएट करनी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसको थोड़ा एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बट टेलिंग यू अगेन कि आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ये ना हो कि आप ई मेल कर देंगे जी ये इतना मुश्किल फार्मूला हमें आ गया यू आर नॉट रिक्वायर टू लर्न इट यू आर रिक्वायर टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इट एंड इफ यू आर आज टू डू इट कैलकुलेट देन यू विल बी गिवन द होल की द होल फार्मूला एंड द टेबल फॉर इट्स यूटिलाइजेशन कॉलिंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कंपनी एक्स शेयर एंड कॉल ऑप्शन करंट शेयर की प्राइस है जी हंड्रेड एंड एट्टी फाइव ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस है वन तो अगर ये कॉल ऑप्शन हो तो ये इन द मनी है या आउट ऑफ मनी इन द मनी बिकॉज शेयर वन एटी फाइव का हो गया आपके पास राइट अगर वन सेवनटी का है तो इट्स वेरी मच इन द मनी रिस्क फ्री रेट है सेवन परसेंट टाइम टू एक्सपायरी है थ्री ईयर्स इट कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट स्टैंड टन है एटीन तो ये हमारा डाटा हमारा लिए कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा डाटा हमारा सिंप्लीफाइड है वी कैन ईजीली ग्रास्प दैट जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो यू कैन सी आई टोल्ड यू कि हम पहले डी वन डी टू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको उसमें सब्स्यूट करेंगे डी वन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया स्पॉट प्राइस लीट को डिवाइड किया जो उसकी एक्सरसाइज प्राइस और उसका लॉग ले लिया एंड देन वी टेक द रिस्क फ्री रेट प्लस मल्टीप्लाई ऑफ well किया हमने स्टैंड एविएशन को और उसके जो रिस्पेक्टिव पार्ट को हमने साथ टाइम के साथ लिया एंड देन वी कैलकुलेट है तो हमारे पास वैल्यू जो है इससे हमें ड्राइव हो गई फॉर डी वन देन डी वन इज़ दिस और हमारे पास डी टू का फिर फॉर्मूला है डी टू इज डी वन माइनस स्टैंडर्ड एवियेसन इन टू द रूट ऑफ डी वी गेट द वैल्यू फॉर डी टू लगिंग इन दैट इन द फॉर्मूला ऑप्शन इज एस एन डी वन माइनस एन डी टू सो विद द पावर वी प्लेसड इन तो इसकी ऑप्शन की वैल्यू हमारी आई फिफ्टी वन डॉलर ना आपको ये सवाल याद करने की ज़रूरत है ना आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है बस आपको इसका लॉजिक समझना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैप्चर हुई हैं और उनका रोल जो है हमारी वैल्यूशन में आया तो इस वक्त हमें क्या पता चला कि अगर तीन साल का ऑप्शन है और उसकी प्राइस है वन सेवनटी भी स्ट्राइक प्राइस है तो उसकी जो मार्केट में हमें मिलेगा या ट्रेड होगा वो फिफ्टी वन का होगा तो अगर फिफ्टी वन से सस्ता मिल रहा है तो दैट मीन इट्स अंडर प्राइज अगर महंगा मिल रहा है तो ओवर प्राइज तो अब अगर हम देख रहे थे शेयर एट्टी वन एटी फाइव का था और कॉल ऑप्शन वन सेवेंटी ये तो पंद्रह रुपये का फ़र्क है लेकिन पंद्रह रुपये का फ़र्क तो अब है हम लोग तो बात करें लॉन्ग पीरियड की तो जब पीरियड व इट कुड बी लाइक शेयर की प्राइस 200 भी हो सकती है 500 भी जा सकती है तो कैप्चरिंग द होल पाथ और वॉल्टिलिटी को टाइम को उसको जब हमने उसमें बिल्ट इन किया तो वी गेट दिस वैल्यू के दिस ऑप्शन शुड बी वैल्यूड फिफ्टी अब ये बोझ इन्वेस्टर नो दिस सेलर नो दिस बैंक्स नो दिस तो ये सारों को स्टैंडर्ड आइज पता है तो फिर ये एक मार्केट का स्टैंडर्ड बन जाता है तो दिस इज वाई ब्लॉक ब्लैक शॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इसकी यूटिलाइजेशन है इसकी मार्केट में एक गेम चेंज है ठीक हो गया थैंक यू